मध्य प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश के संकेत देते हुए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 1 जून से 3 अगस्त तक प्रदेश में 14% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें प्रमुख नदियां उफान पर है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में अभी बारिश से राहत मिलने की संभावना कम है और आने वाले दिनों में भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में रायसेन, राजगढ़, सीहोर, नर्मदापुरम, दामोह, कटनी और नरसिंहपुर जिले में अति भारी बारिश होने की संभावना। इन जिलों में अत्यधिक बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है और प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून से 3 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 14% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत 6% ज्यादा और पश्चिम मध्य प्रदेश में औसत से 21% ज्यादा बारिश हुई है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा के किनारे बसे सभी जिलों में भारी बारिश के संकेत मिलने के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने एहतियातन आने जाने पर रोक लगाई है और नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलों और जलस्तर की निगरानी के लिए पुलिस स्टॉपर लगाकर लोगों को सुरक्षित मार्ग दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नागरिकों से अपील है कि वे सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें और सुरक्षित स्थान पर रहें।